नमस्कार आदाब, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हमारी पहली दो खबर किसान आंदोलन से, छात्र भी जी जान से किसानों के साथ, युवाओं से आगे हैं बुजुर्गों का जोश। हमारी तीसरी खबर गाजियाबाद से, शमशान घाट हादसे में 3 गिरफ्तार, प्रशासन के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। हमारी चौथी और आखिरी खबर कोरोना अपडेट से, देश में पिछले 24 घंटों में 16,504 नए मामले, कुल एक्टिव केस में 2,42,000 पार। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन में पूरा देश जुड़ता जा रहा है। समाज का लगभग हर वर्ग किसानों के समर्थन में आगे आ रहा है। देश के हर हिस्से से भी लोग यहां दिल्ली बॉर्डर पर भी किसानों के समर्थन में लगातार पहुंच रहे हैं। छात्र भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, अपने सहयोग से लंगर तक चला रहे हैं। इसी तरह नए साल पर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के छात्र यहां टिकरी बॉर्डर पर किसानों के बीच जोश जगाते मिले। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से आए AIDSO के 2 छात्रों से हमने बात की, आइए देखते हैं। दोस्तों सलाम, आज हम हैं टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में। नया साल का दिन है, हमारे साथ कुछ छात्र साथी हैं, कोलकाता से आए हैं आप। हम इन्हीं से जानेंगे ये यहाँ कैसे आए, क्यों आए और इनका क्या एक्सपीरियंस है। मेरा नाम आशुतोष हल्दर है जी, मैं अभी मास्टर्स कर रहा हूँ प्रेसिडेंसी कॉलेज। तो मेरा मैं आया हूँ यहाँ पर 1 महीने की, और जब मूवमेंट शुरू हुआ दिसंबर महीने की, पहले से ही मैं यहाँ पर जी यहाँ पर किसान साथी पंजाब हरियाणा बहुत सारे प्रदेश से आए हुए कॉन्टैक्ट कर रहे मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए, मूवमेंट को देख के सीखने के लिए, क्योंकि पंजाब और किसानों का जो आंदोलन पूरा देश में अनुप्रेरणा देता है, पूरा देश में इंस्पिरेशन कहलाता है कि ये जो किसानों का हक, किसान जो लड़ रहा है, जो पूरे देश में अभी हालत क्या है, पूरा देश में हर 1-3 मिनट में एक से किसान आत्महत्या करता है, सुसाइड करता है। और जो ये इस हालत केंद्र का मोदी सरकार बनाना चाहता है, पंजाब और हरियाणा की, पंजाब और हरियाली है, ये किसानों का जो हालत बनाना चाहता है, जो रिटेल चेन को बचाने के लिए, जो रिटेल चेन है, जो रिलायंस और वगैरह वगैरह जो पूंजीपतियों का जो संस्था है, संस्थाओं को बचाने के लिए जो ला रहा है, कृषि कानून ला रहा है, इसके खिलाफ पूरा देश में जब आवाज उठा, छात्र संगठन AIDSO की ओर से हम पूरे देश में समर्थन किए इस आंदोलन को। जब जो बंद घोषित किया गया, जो पूरा देश में कंट्री वाइड हम बहुत समर्थन सपोर्ट किए पूरा देश में, बस महिलाओं को रिश्ता बांधने के लिए यहाँ पर दिल्ली जाते हैं। आप भी कोलकाता से हैं, आप भी अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आंदोलन में आके आपको कैसा लगा। मेरा नाम है ध्रुवजीत शील, कोलकाता से हूँ मैं, हम भी छात्र हैं। तो छात्र संगठन AIDSO की तरफ से आए हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे आपके पहला बात जो हमको लगा कि किसानों से बात करते हुए बहुत उम्रदार बहुत किसान आए हैं, इनका जोश देख के हम भी दम दम रह जाते हैं कि ऐसा जोश लेके कैसे आ सकता है। ये बुजुर्गों देखे हमारे बीच में खड़े हैं हम लोग देखते हैं। और सबसे बड़ा बात है कि हम लोगों को वहाँ पे भी जैसे छात्र संगठन की तरफ से छात्रों के मुद्दों को लेके जैसे आंदोलन करते रहते हैं, हम लोग मानते हैं ये खेती कानून जो है आपका सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, ये कॉमोडिटी एक्ट के जरिए आज से किसानों का ही कहा सभी का बन चुका है। तो ये सभी बढ़ के इंसान आज ये मूवमेंट में आ रहे हैं, क्योंकि आज जब चीज का महंगाई बढ़ रहा है तब सभी को नुकसान होने वाला है। इसलिए हम लोग छात्र संगठन AIDSO की तरफ से जैसे 1-20 का विरोध कर रहे हैं, वैसे ही खेती कानून लागू करने के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है उसको समर्थन करते हुए, जैसे बंगाल में हम लोग इसका प्रचार कर रहे हैं, इसके समर्थन में रैली कर रहे हैं, वैसे ही हम लोग का कुछ प्रतिनिधि यहाँ पे आया हुआ है, ये आंदोलन को जारी रखने के लिए बात कर रहे हैं। नाम बिलोर सिंह, उम्र 72 साल, यानी 72 साल 4 महीने, लेकिन जोश ऐसा कि युवा भी शर्मा जाए। एक पाँव नहीं है, आर्टिफिशियल पाँव लगा है, लेकिन इसके बावजूद जाड़े में भी पंजाब के बरनाला से आकर टीकरी बॉर्डर पर डटे हैं। पूछने पर कहते हैं जीतेंगे 100%, खाली हाथ नहीं मुड़ेंगे। क्या लग रहा है, क्या उम्मीद है? 100% जीत के, 100% जीत के जाओगे, 15-18 बारी अगे भी जीते है, जद अगे सवा मन जनेऊ ला के रोटी खाते होंगे मुसलमान हो बड़े मच्छे रंगड़न के, वह भी खत्म करते, इन्हू सैकड़े बारी आ चुका जी। तो हूँ तो गल ही कुछ नहीं, घेरा छेती पै गया, हूँ सारा इंडिया भारत पै गया,
2020 से 2021 आ गया, नए साल में हम खड़े हैं। अच्छा होएगा, अच्छा होएगा, हाँ अच्छा होएगा। जो आप इतनी मुश्किलों में, आपके पाँव में भी ये कितनी मुश्किलों में आप कैसे कर पा रहे हैं? कोई मुश्किल नहीं होगी जी। आज पत्ती टूट गई से तो वो बेल्ट करा रहे हैं जाके उठो, आज पत्ती भी टूट गई मेरी। अच्छा हाँ, उधरों उधर जी बेल्ट आया मोरे बेल्ट करा रहे हैं जाके, बहुत अच्छा है। जित के जमा खाली नहीं मुड़ गई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के मुरादनगर में हुए शमशान घाट हादसे में पुलिस ने अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नगर पालिका की कार्यकारी अधिकारी निहारिका सिंह, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल और सुपरवाइजर आशीष को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि आरोपी ठेकेदार अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस मामले में अब तक 25 लोगों की मौत की खबर है, वहीं करीब 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि मुरादनगर के इस शमशान घाट में गलियारे की छत डालने का काम इसी साल अक्टूबर में शुरू हुआ था। इसकी लागत लगभग 55 लाख बताई जा रही है, तो वहीं इसे करीब 15 दिन पहले ही इसे जनता के लिए खोल दिया गया था। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी इसका लोकार्पण भी नहीं हुआ था। ऐसे में लेंटर का गिरना सरकार और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़ा करते हैं। NDTV की खबर के अनुसार एक रिश्तेदार ने कहा, यह शेल्टर अभी 1-2 महीने पहले ही बना था, पहली बारिश के बाद ही यह ढह गया, ठेकेदार को तत्काल सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज सोमवार यानी कि 4 जनवरी को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,504 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना से 214 मरीजों की मौत हुई है। इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 19,557 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और कुल एक्टिव मामलों में 3,267 मामले कम हुए हैं। देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 1,03,40,469 हो गई है, जिनमें से अब तक 1,49,649 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.19% हो गया है, यानी कुल मरीजों में से अब तक 99,46,867 मरीजों को ठीक भी किया जा चुका है। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 2.35% यानी 2,43,953 रह गई है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।